हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गुड मॉर्निंग। तो अभी जस्ट मैं उठकर आ रही हूँ और सुबह का वही 6:30 का टाइम हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है। और अभी ना मैं दरवाज़ा खोली क्योंकि दरवाज़ा खुला नहीं था। मम्मी तो पहले ही उठ जाती है, उठ के अभी खाना बना रही है किचन में। बाबू इतना परेशान करता है ना, सुबह 6 बजे उठ जाता है। उसका ना रोज़ का आदत हो गया है सुबह 6 बजे उठने का। तो अभी ना बहुत दिक्कत होने वाला है क्योंकि मैं इतना कोशिश करती हूँ कि उसको लेट तक सुलाए रहूँ, लेकिन वो नहीं सो पाता है। कभी 4 बजे नहीं तो कभी 6 बजे ऐसे उठ ही जाता है। और मैं इधर ना सोफा पे आके सो गई क्योंकि मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, इतना ज्यादा नींद लग रहा था। वो बहुत ज्यादा परेशान करता है कभी कभी, या कभी कभी इतना अच्छे से सोता है ना कि मेरा नींद पूरा हो जाता है। 2-3 घंटे आराम से मैं सो जाती हूँ ना, फिर नींद पूरा हो जाता है। और रात को ना बार बार उठ के चेक भी करना पड़ता है उसको, तो इसके लिए कभी कभी तो नींद में ही रहती हूँ, नींद में ही फीड कराती हूँ, ऐसा हो जाता है। और कभी कभी ना मैं गोद में लेके बैठे रहती हूँ काफी टाइम तक, परेशान हो जाती हूँ उसको सुलाते सुलाते, लेकिन वो सोता नहीं है ना, तो फिर हस्बैंड ले लेते हैं, फिर वो सुलाने लगते हैं। और उनके गोद में ना बहुत जल्दी सो जाता है। और उनका वैसे भी एक्सपीरियंस है, दृशानी को ना वही सुलाते थे जब भी रात को वो परेशान करती थी ना। कभी कभी तो 2-2 बजे रात तक वो भी नहीं सोया करती थी, तो वही घुमा घुमा कर ना उसको सुलाते थे, तो उनका आदत है। और देखिए अभी यहाँ पे फिर से मैं आके सो गई। मम्मी बोली कि जाओ तुम आराम करो, मैं बना लूँगी खाना। तो मैं इधर आ गई फिर से सोने, और आधा घंटा मैं सोई, बहुत अच्छा फील हुआ। फिर उसके बाद मैं उठ गई तो मम्मी ने दाल चावल बना लिया था, फिर सब्जी भी काट लिया था। आजकल मम्मी सब्जी काट लेती है, थोड़ा धीरे धीरे काटती है, लेकिन हाँ चाकू से बिल्कुल भी काटने नहीं आ रहा था मम्मी को सब्जी, लेकिन अभी ना थोड़ा थोड़ा काटते काटते आदत बन गया है और मम्मी चाकू से सब्जी काट लेती है। तो सारा सब्जी मम्मी ने ही कट किया, तो मैं सोची चलो अभी चाय बना ही रही हूँ तो इधर सब्जी भी छौंक देती हूँ। मम्मी बैठ के पानी पी रही है, और मम्मी ना 3-4 दिन का मेहमान है, बस 3-4 दिन में चली जाएगी मम्मी, तो पता नहीं बहुत मुश्किल होने वाला है। और कैसे मैं मैनेज करूँगी वो तो बाद में पता चलेगा, सारे ब्लॉग में शेयर करूँगी। पता नहीं ब्लॉग बना भी पाऊँगी या नहीं, क्योंकि मम्मी बहुत काम करती है, छोटा मोटा काम ना दिखता नहीं है, लेकिन अगर आप खुद करोगे ना तब पता चलेगा। और डिलीवरी के बाद ना मतलब 8-10 दिन बाद से मम्मी मेरा मालिश करना शुरू कर दी थी, और वही पेट पे मालिश नहीं करती थी, बैक में और हाथ पैर में मालिश करती थी। तो अभी तक मालिश तो मेरी मम्मी करती है, रोज कर देती है, कभी कभी तो 2-2 टाइम कर देती है, सुबह शाम दोनों टाइम बेबी का मालिश करने के बाद ना मेरा मालिश कर देती है। तो इतना कोई नहीं करेगा, मेरी माँ है इसलिए वो इतना कर रही है। और मेरे खाने पीने का भी उतना ही ख्याल रखती है, हमेशा गरम गरम रोटी बना के देती है जब भी मुझे भूख लगता है तभी, और हमेशा बोलते रहती है खाते रहो क्योंकि बेबी को मैं फीड कराती हूँ ना, तो मम्मी डांटते रहती है कि फीड कराने वाले माँ को ना दिन भर में कम से कम 5-6 बार खाना चाहिए। और अभी ना मुझे भूख उतना नहीं लग रहा है, कभी कभी भूख लगता भी है ना तो मैं अच्छे से खा नहीं पाती। अभी हम सबका चाय पीना हो गया, और यहाँ पे देखिए गुड मॉर्निंग बेटा जी, गुड मॉर्निंग। तो बाबू का मालिश हो गया है, और इसको ना पूरा उठा के ऐसे सुलाए थे, देखिए पैर से मार के ना इसको पूरा फेंक देता है, ये फेंक देता है, ये बहुत ज़्यादा बदमाश होते जा रहा है, बदमाश होते जा रहा है बहुत ज़्यादा। तुम यहाँ पे खेलो, सर को ना टेढ़ा मत करो, नहीं तो इतना अच्छा गोला सर ना तेरा टेढ़ा हो जाएगा। अले 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 ओ चुन्नो, अभी खेलो। हाय, सिर्फ 20 मिनट के लिए सोया है ये, मालिश हुआ है उसके बाद फीड कराया है, सिर्फ 20 मिनट सोया है, उसके बाद ये उठ गया। मम्मी यहाँ पे बना रही है रोटी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? भी कर दो आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने, मम्मी गरम गरम रोटी बनाई है और घी लगा के दाल रोटी सब्जी खाएंगे अभी। मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने, दाल रोटी और भिंडी की भाजी। तो दृशानी अभी ट्यूशन से आ गई है, और आने के बाद ना देखिए बाबू को खिला रही है, बाबू का नहाना भी हो गया है, और नहा लेता है ना तो मैं उसको ना बालकनी में रख देती हूँ, इसी तरह से धूप आता है बालकनी में, सुबह का वही 10-11 बजे अच्छा धूप आता है, तो सुबह का ही धूप में थोड़ा सा रखती हूँ, ज़्यादा देर के लिए नहीं रखती हूँ, 10-15 मिनट के लिए रखती हूँ। और कभी कभी तो बहुत कड़क धूप आता है तो इतना देर नहीं रख पाती हूँ, जिस दिन मीठा मीठा धूप रहता है ना उस दिन थोड़ा 10-15 मिनट रख लेती हूँ। अभी ना 4 बज गया है, पूरा 4 बज गया, एक घड़ी तो फास्ट है 10 मिनट। और अभी मेरा बाबू उठ गया था, तो मम्मी ना बाबू को ली है गोद में, अभी वो फीड किया है ना तो उसको डेकार लेने के लिए। कितना लाल लाल इसके शरीर में निकल गया, जबकि दवाई लगाया था, वैसे से इसको ना बहुत आ रहा है। बाबा चुन्ना, इसके गाल में भी हो गया,
तो आज मैं सोची थी मार्केट जाऊंगी मम्मी के साथ, अगर हस्बैंड ऑफिस से जल्दी आ जाएंगे तो जाऊंगी, कुछ कुछ सामान लेकर आना है, तो मम्मी ज़्यादा दिन के लिए है नहीं, 3-4 दिन में चली जाएगी और मैं रह जाऊंगी अकेले, मैं भी बाबू भी सब लोग चला जाएगा दिलशानी स्कूल, दिलशानी के पापा ऑफिस, और बाकी रह जाएंगे हम दोनों माँ बेटा घर पे, है ना। एक दिन मम्मी गई थी ना घूमने, तो पूरा घर से एकदम सुन सुन लग रहा था, खाली खाली लग रहा था, कोई है ही नहीं। और अभी ना मेरा भी मन एकदम उब गया है, घर में काफ़ी टाइम से मैं घर में ही पड़ी हुई हूँ। बस एक दिन मैं डॉक्टर के पास गई थी, जिस दिन मैं स्टिचेस दिखाने के लिए जाना था ना, 12 तारीख को गई थी। क्या हुआ बाबा? ओह अच्छा तो वही 12 तारीख को गई थी, उसके बाद ना एक बार भी जाना नहीं हुआ। वैसे तो जाना ज़रूरी नहीं है अभी, क्योंकि लेकिन थोड़ा सा मन उब गया है, गाँव में रहती तो बाहर निकलना होता, मतलब अपने दरवाजे पे, और इधर उधर तो नहीं जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ तो नीचे निकले ही नहीं है, नीचे गए ही नहीं है। अभी 1 मंथ होने वाला है, 12 तारीख को 1 मंथ हो जाएगा, क्योंकि ये 12 तारीख को ही आया था, 12 तारीख को ही पैदा हुआ था, तो 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। बिट्टू और फूआ आई थी ना, तो इतना सारा मिठाई लाई थी, मिठाई ख़त्म ही नहीं हो रहा है मेरे घर में ना, मीठा लोग खाता ही नहीं, मम्मी भी नहीं खाती, अभी भी इतना मिठाई बचा हुआ है। तो अभी ना बाबू को सुला दिया यहाँ पे, और ये वाला कुर्ता ना मैंने आज पहन के ट्राई किया है। देखो मुर्गे की आवाज़ आ रही है ना, आप लोग पूछते रहते ना कि आपके घर के आसपास मुर्गा है क्या, है ना। ये मैं दिखाती हूँ आपको, मेरे बेडरूम के सामने वाला जो फ्लैट है ना, किसी ने मुर्गा पाला हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बाप रे आप लोग मुर्गा भी पालता है, मतलब फ्लैट में मुर्गा कौन पालता है, यही समझ आने, कुछ दिन में लोग वो क्या बोलते हैं बकरी को भी ला के पालने लगेगा, लाजीब है, मतलब इतना ज़्यादा इरिटेट होते हैं ना उसकी आवाज़ से, क्या बताएं, मतलब वीडियो में वॉइस ओवर डालते हैं पूरा दिन, वो मतलब चिल्लाते रहता है, रात में नहीं चिल्लाता है पर पूरा दिन परेशान करता है, मतलब मेरे मतलब बेडरूम जो है ना, बेडरूम के एकदम सामने सामने है तो ज़्यादा आवाज़ आता है, और बालकनी में ही रखता है, और वो लोग ना विंडो बंद कर देता है, वो बालकनी में ही चिल्लाते रहता है, इतना ज़्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं ना उसकी आवाज़ से। और सुबह सुबह मतलब आवाज़ देता है तो अच्छा भी लगता है, लेकिन पूरा दिन आवाज़ देते रहता है। मैं तो जब वॉइस ओवर डालते रहती हूँ तो कभी कभी वॉइस ओवर में भी आप लोगों को सुनाई देता होगा मुर्गे का आवाज़ सुनाई देता होगा, तो एक दो फ्रेंड ने पूछा भी था, कमेंट भी किया था, तो वही मैं सोची चलो वीडियो में बताऊँगी इस बारे में। तो देखिए मैं बहुत दिनों बाद ना ये वाला कुर्ता पहनी हूँ, जब 4-5 मंथ का बेबी था ना पेट में, तब मैं ये पहनी थी तो टमी पे टाइट होता था, तो छोड़ दिया था इसको पहनना, लेकिन अभी ना आ रहा है, और अभी मेरा पेट काफ़ी अंदर गया है, लेकिन इतना भी नहीं बोलूँगी कि ज़्यादा अंदर गया है, अभी भी 50% पेट है मेरा, देखिए अभी इतना दिख रहा है, अभी 2-3 kg ना चर्बी है पेट पे इसको पिघलाना ज़रूरी है। लेकिन ये वाला कुर्ता अभी आ रहा है यहाँ पे, अभी थोड़ा सा मेरा टमी दिख रहा है, और अभी काफ़ी है, फिर भी टमी पे ना थोड़ा ये टाइट हो रहा है। अजवाइन वाला पानी मैं कभी कभी पीती हूँ, अजवाइन वाला पानी पीना बहुत ज़रूरी है, उससे ना पेट अंदर जाता है। एक फ्रेंड ने बोला था जीरा वाला पानी पीने के लिए, तो एक दिन तो मैंने रात में भिगोया और नेक्स्ट डे पी, लेकिन बहुत लेट हो गया था पीने में, उसकी वजह से ना एसिडिटी भी बनती है अगर लेट करती हूँ तो, और गला एकदम जलने लगता है। अभी ना प्यास इतनी लगती है ना, बहुत पानी पीती हूँ मैं, पता नहीं इतना प्यास क्यों लगता है मुझे, और वैसे पानी पीना बहुत ज़रूरी है, अभी ना जितना पानी पियेंगे उतना अच्छा रहेगा मेरे लिए, और मेरे हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा, और बेबी को अगर फीड कराते हैं तो पानी बहुत पीना चाहिए, 80% तो मिल्क में पानी ही रहता है, तो इसके लिए पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो अभी ना जब से कोरोना आया ना, तब से ही गर्म पानी पीने की आदत हो गया है, और डिलीवरी से पहले ही मैं गर्म पानी ही पी रही थी, और डिलीवरी के बाद भी मैं गर्म पानी पी रही हूँ, गर्म पानी पीने का आदत हो गया, अभी तक ठंडा पानी बिल्कुल मन नहीं करता है पीने का, नॉर्मल पानी भी नहीं मन करता है पीने का, हम गर्म पानी ही पीते हैं। तो अभी ना मेरा अजवाइन वाला पानी बन के रेडी हो गया है, अजवाइन को ना पानी में डालती हूँ और अच्छे से बॉईल करती हूँ, इसमें नमक वमक कुछ भी नहीं डालना, एकदम सादा पानी रहता है ये, और अभी अजवाइन को छान लेंगे, और चाय जितना गर्म पीते हैं ना उतना गर्म इसको पीना है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना, इसको सिप सिप करके पियेंगे चाय की तरह।
तो अभी ना मम्मी गई है दृशानी को स्कूल से लाने के लिए, और मैं सोची अभी घर एकदम शांत है तो थोड़ा वॉइस ओवर कर लूं, क्योंकि दृशानी आती है तो हल्ला करने लगती है। तो ये देखिए, ये मेरा बेटा भल्ला कर रहा है, अभी ये उठ गया है, सोया हुआ था। जैसे ही मैं वॉइस ओवर करना स्टार्ट की वैसे ही इसका रोना धोना चालू हो गया। क्या हुआ, थोड़ा देर भी नहीं रह सकता? हाँ, अभी ना दृशानी भी आ गई है स्कूल से, मम्मी लेकर आ गई है। तो मैं यहाँ पे दाल गरम कर रही हूँ, दाल मुझे पीना है, मैं ना हमेशा भूल जाती हूँ पीना, तो मम्मी ही याद दिलाती है कि दाल पियो दाल पियो। तो अभी दाल गरम करके पीऊँगी, और अभी यहाँ पे दूध भी गरम कर रही हूँ, मम्मी के लिए ना चाय भी बनाना है। तो मम्मी सुबह में पीती है चाय और शाम को पीती है, और अभी यहाँ पे दृशानी को खाना भी देंगे खाने के लिए। अभी ना मेरी आवाज़ थोड़ी अलग आ रही होगी, क्योंकि ना मुझे हल्की हल्की खांसी हो गई है। वैसे भी डिलीवरी के बाद ना इम्यूनिटी जो होता है ना बहुत वीक हो जाता है, तो इस टाइम पे ना अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा भी लापरवाही करने से ना बहुत मुश्किल हो जाता है। दो दिन पहले ना मैंने फ्रिज में रखा था पपीता, कटा हुआ पपीता था, तो उसको बाहर रखती तो ख़राब हो जाता। और जब वो पपीता मैंने निकाला खाने के लिए तो नॉर्मल करके खाया था, लेकिन मुझे लग रहा है ना उसी से हो गया ऐसे, क्योंकि हल्का हल्का ठंडा था। और थोड़ा भी ठंडा चीज़ें नहीं खाना चाहिए, खासकर फ्रिज का सामान तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और थोड़ा सा मैंने मिठाई भी खा लिया था, तो उसके लिए ना हल्का हल्का गले में खराश हो गई है, हल्की हल्की खांसी आ रही है। और मैं अभी ना दवा भी खा रही हूँ खांसी का, ताकि ज़्यादा खांसी बढ़े ना और स्टिचेस पे प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि खांसते वैसे भी मुझे ना एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो छींक ऑलरेडी आती है अगर मैं किचन में जाती हूँ तो छींक के तो प्रॉब्लम है। किचन में जाऊँ ना जाऊँ फिर भी अगर थोड़ा सा भी ठंडा हवा लगता है ना तो फिर मुझे छींक आने लगती है। तो इसके लिए अभी मैं वही मेडिसिन ले रही हूँ, डॉक्टर को मैंने दिखाया था तो उन्होंने दिया था, तो वही अभी खांसी का दवा खा रही हूँ, जल्दी से ठीक हो जाए। वैसे ज़्यादा नहीं है, हल्का फुल्का है। और अभी यहाँ पे मम्मी को लेकर आए थे मार्केट, क्योंकि मुझे ना मड़ुआ खरीदना था, वही रागी। मम्मी जब तक है तब, मतलब मम्मी के जाने से पहले मैं सोच रही हूँ ये सारी चीज़ें खरीद के, फिर जो भी चीज़ें खरीदना है वो सब खरीद के फिर तैयार करके रख लूँ, ताकि बाद में मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो मड़ुआ मैंने खरीद लिया, और यहाँ पे ना मुझे साग दिख गया, तो मैं सोच चलो साग ले लेती हूँ, अभी साग खाना भी बहुत ज़रूरी है। तो लाल वाला साग दिखा, ठड़िया का साग बोलते हैं। और देखिए अभी हम लोग घर आ गए हैं, घर आने के बाद देखिए ना तो बाबू अभी तक सो रहा था। वैसे वो ना शाम के टाइम पे अच्छे से सोता है, जब उसका मालिश हो जाता है ना फिर आराम से सो जाता है। मालिश तो हो गया तो उसका शाम के टाइम पे मम्मी फटाफट से मालिश की, फिर उसके बाद ना हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए। अभी ना खाना बनाएंगे, खाने में समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, सब्जी का ना बड़ा प्रॉब्लम होता है आजकल। और अभी ना सबके लिए फिर सोचना पड़ता है ना कि क्या बनाएं, और 10 चीज़ें बनाने का मन भी नहीं करता है, ऐसा सोचते हैं कि एक ही चीज़ें बनाएं कि ताकि सब लोग खा लें। तो अभी यहाँ पे ना तुरई की मैं सब्जी बनाऊंगी चना दाल मिक्स करके, तो एकदम सिंपल सा सब्जी मैं सोची चलो अभी कुकर में बना लेते हैं, क्योंकि चना दाल ना पहले से भिगोया हुआ नहीं था, तो उसको ना भिगोया था लेकिन 10-15 मिनट के लिए ही, अच्छे से फूला नहीं है, तो इसलिए मैं कुकर में बना रही हूँ। बहुत ही सिंपल सब्जी है लेकिन खाने में टेस्टी लगता है। मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया था, उसमें सूखी लाल मिर्च, मेथी दाना और हींग का तड़का दिया था, उसके बाद मैंने तुरई डाल दिया है, और साथ ही में मैंने चना दाल भी डाल दिया है। अभी वो अच्छे से पकेगा, उसमें ना नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल के, थोड़ा सा गर्म मसाला डालेंगे, और उसमें ना पानी दे के, और अभी देखे अच्छे से सीटी लगा लिया है। और सीटी लगाने के बाद ना सब्जी को बाद में थोड़ा सा और पकाया था मैंने, थोड़ा गाढ़ा किया था क्योंकि ज़्यादा पानी दिख रहा था। बस एकदम सिंपल सा सब्जी लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और वही जो साग मम्मी लाई थी, मतलब मैं लाई थी मार्केट से, तो वही अभी बना रही थी, क्योंकि उसको छाट के रखना भी ज़रूरी है, सुबह में इतना टाइम मिलता नहीं है, तो साग तो छाट के रख दी है मम्मी। और अभी मम्मी का पूरा काम भी ख़त्म हो गया है, बर्तन भी सारा धो ली है और गैस वगैरह सब क्लीन कर ली है मम्मी। मम्मी ना खाना खाने के बाद ना तुरंत ये सारे काम ख़त्म कर लेती है, बोलती है कि रात में ना बर्तन बिल्कुल भी जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, किचन तो एकदम साफ रहना चाहिए। तो गाइस चलिए आज का वीडियो ना यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सबको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट फॉर ड्रीम।